गाइस ये टनल होता है यहाँ पे खत्म और आपका भाई श्रीनगर में एंटर कर चुका है। ओ भाई यकीन नहीं हो रहा। और पर फॉग देखो भाई, वक्त बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, ये क्या हो गया? अचानक से मौसम खराब देख रहे हो गाइस? मीटर देखो 120। ओ भाई मेरे को यकीन नहीं हो रहा, बनिहाल के अंदर 4 व्हील लेना है। तो फाइनली गाइस मैं नॉर्थ के सबसे बड़े टनल के अंदर जा रहा हूँ, तो देखते हैं अंदर का क्या सीन रहता है। ओ भाई खतरनाक व्यू है। कश्मीर को ना जन्नत का दूसरा नाम बोलते हैं और वो रियलिटी है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोहम्मद फिराज व्लॉग्स। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, आपका भाई भी एकदम मस्त है। तो यार आपको पता है कि मैंने परसों बोला था कि मैं निकलने वाला हूँ श्रीनगर राइड पे, तो आज आपको भाई निकलना है श्रीनगर राइड पे। तो आज का व्लॉग जो होने वाला ना वो बवाल सीन होने वाला है, और इसके आगे जितनी भी सीरीज है बहुत खतरनाक आने वाली है। और भाई आपका मीटअप पे भी जाएगा, वो व्लॉग भी डालेगा, तो इस सीरीज को पूरा देखना और मिलते हैं सीधा बाइक पे। फाइनली गाइज अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से श्रीनगर राइड के लिए। फाइनली गाइज हम लोग करते हैं अपनी श्रीनगर राइड को यहाँ से स्टार्ट, और भाई आपका अकेला जा रहा है, मेरे साथ कोई भी नहीं जा रहा है। तो फिलहाल मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पे तवी ब्रिज के ऊपर, सिद्रा ब्रिज के ऊपर। तो यार आज का मौसम देख लो क्या खतरनाक मौसम हो रहा है यार, आज की राइड करने का ना मज़ा ही अलग आएगा। जब आप ये व्लॉग देखोगे ना, नेक्स्ट लेवल व्लॉग होने वाला है ये। तो गाइज यहाँ पे पढ़ लो, यहाँ पे लिखा हुआ है श्रीनगर 259 किलोमीटर, मतलब कि 260 किलोमीटर है यहाँ से श्रीनगर, और अभी लगभग टाइम हो रहा है 12:30। तो भाई आपका आराम से पहुंच जाएगा 7 बजे तक श्रीनगर विदाउट एनी टेंशन। गाइज यहाँ से हम सीधा चलते हैं अब नगरोटा, वहाँ पे फ्यूल अप कराते हैं, और साथ में टायर में ना हवा थोड़ी कम है तो हवा भी भरवा लेते हैं। तो भाई बूम बम राइड पे निकलते हैं आज। गाइज मुझे बार बार यहाँ पे रुकना पड़ रहा है, सभी बंदे मुझे कॉल करके बोल रहे हैं कि फिराज भाई आप अकेले चलेंगे श्रीनगर। मैंने बोला हाँ भाई, मैंने तो राइड कंप्लीट करनी है तो मैं तो जाऊँगा अकेले। तो फाइनली गाइज हम लोग पहुँच चुके हैं टनल में। तो यार चेक करो यहाँ की वाइब भाई, आपका टनल में देना कैसे गूंजता हो जाएगा भाई, वाइब आ रही है खतरनाक वाली। मैं तो एक्साइटेड हूँ श्रीनगर की ट्रिप मारने के लिए। श्रीनगर में जहाँ जहाँ मैं जा सकूँगा वहाँ तक मैं जाऊँगा। तो भाई चेक करो आगे का व्यू, यार क्या व्यू है। इस टनल में आज तक आया तो मैं बहुत बार हूँ, लेकिन यहाँ पे कभी मैंने शूट नहीं किया। आज फर्स्ट टाइम यहाँ पे व्लॉग शूट कर रहा हूँ, तो यार बहुत मज़ा आ रहा है। और एक तो धूप इतनी खतरनाक है ना भाई, बता नहीं सकता, एंड लेवल सीन हो रहा है। तो आगे तो सुनने में आया मुझे सारे श्रीनगर से फ़ोन कर रहे हैं कि भाई वहाँ से जैकेट्स वगैरह लेकर आना, ठंड बहुत ज़्यादा है। तो भाई तो आपका 2 जैकेट्स लेके जा रहा है, बाकी मुझे आगे का सीन कुछ नहीं पता, क्या होने वाला है क्या नहीं, वहीं जाके एक्सपीरियंस होगा कि श्रीनगर की ठंड कैसी है। तो भाई यार व्यू देखो, व्यू क्या खतरनाक है। फाइनली गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं कुछ इस तरह की जगह पे, मतलब कि हम जजल कोटली पहुंचने वाले हैं। तो भाई आपके ने पीछे करा लिया था फ्यूल टैंक फुल, तो देखते हैं आज इसकी एवरेज भी देखेंगे क्या देगी। एवरेज तो खा के देखी भाई आपका, भगा के लेके जाएगा इसको श्रीनगर में, क्योंकि आपको पता है 250 किलोमीटर है और श्रीनगर मेरे को जल्दी जल्दी ख़त्म करना है। आपको पता है वहाँ का माहौल भी उतना मतलब ठीक नहीं रहता, तो जल्दी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपका भाई पहुँचने की कोशिश करेगा। तो यार ये जो श्रीनगर वाली मेरी सीरीज है ना, ये मिस मत करना है, अगर ये आपने मिस कर दी तो यार बहुत पछताओगे, खतरनाक एंड लेवल सीन होने वाला गाइस यहाँ पे। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं कटरा वाली साइड, यहाँ से देख लो ये रास्ता जो अंदर जाता है ये जाता है कटरा वाली साइड, और हम जाएंगे यहाँ से सीधा आगे। सो गाइस वो जो सामने आपको पहाड़ दिख रहे हैं ना, वहाँ पे एक टेंपल है जिसका नाम है माता वैष्णो देवी। तो हिंदुइज़्म के लोग उस चीज़ को बहुत मानते हैं, हमने भी इसके बारे में बहुत सुना है। तो आपका भाई भी एक बार वहाँ पर गया था यार, उधर बहुत पैदल चलना पड़ता, बहुत दूर है, वो थक जाता है इंसान। J&K में ना मतलब जम्मू डिवीज़न में भी, कश्मीर डिवीज़न में भी बहुत अच्छी अच्छी जगह है। जम्मू में तो उतना खास है नहीं, लेकिन यार कश्मीर को ना जन्नत का दूसरा नाम बोलते हैं और वो रियलिटी है। एक बार जो बंदा कश्मीर में चला जाता है ना, उसको वापस घर जाने का मन नहीं करता भाई, आपको भी जब जाता होता है तो यार वापस घर आने का मन नहीं करता। फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में, JK20 में। सामने का व्यू देख रहे हो गाइस यार, उधमपुर भी बहुत प्यारी जगह है यार, एक नंबर खतरनाक जगह है। तो सीन चेक करे, ओ भाई बम देखो कितना खतरनाक था। ऐसी जगह होती है जहाँ पे बंदे का गिरने का खतरा होता है, स्लोप वाली जगह ना, जो अननोन पर्सन होगा उसको तो पता नहीं होगा, 4 व्हीलर वाले निकल जाएंगे, लेकिन जो 2 व्हीलर्स वाले हैं ना भाई, हर जगह पे ना जब भी जाते हो ना, ये देख लो बम कितने खतरनाक है। मतलब रोड ना ऐसे ऐसे है टेढ़ी, तो जिस भी रोड पे जाते हो ओवर स्पीडिंग मत किया करो, पहले देख लिया करो सही तरीके से कि वो रोड सेफ है या नहीं। तो देख लो गाइस यहाँ पे चिनानी टनल है 21 किलोमीटर, पत्नीटॉप 45 किलोमीटर, लेकिन हम पत्नीटॉप वाले रास्ते से नहीं जाएंगे, तो निकलते हैं सीधा आगे। तो गाइस जब मैं लास्ट टाइम इस जगह पे आया था ना, ये 4 वे लेन नहीं थी, 2 वे थी, और इतनी ख़राब थी मैं आपको बता नहीं सकता। उधमपुर से चिनानी तक का रास्ता था आज से 2 साल पहले, भाई इतना गंदा रास्ता था, इतना गंदा, और इतनी डस्ट थी,
मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन इस वक्त रोड बिल्कुल देखो खतरनाक रोड बनाई हुई है। फाइनली गाइज अभी हम एंटर करने वाले हैं नॉर्थ के सबसे बड़े टनल के अंदर, तो यार मैं इस चीज़ के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। 2 साल के बाद मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो सामने का व्यू चेक करो यार, यहाँ से टनल स्टार्ट होगा और 10 किलोमीटर लंबा टनल है, तो गाइज चेक करो। तो फाइनली गाइज मैं नॉर्थ के सबसे बड़े टनल के अंदर जा रहा हूँ, तो देखते हैं अंदर का क्या सीन रहता है। ओ भाई खतरनाक व्यू है। और यार एक चीज़ और, इस टनल के अंदर एक भी मोड़ नहीं है, बिल्कुल सीधा टनल है ये। बाहर काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, बट अंदर आके ना मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, क्योंकि यहाँ पे ना हवा अंदर आने का कोई सोर्स नहीं है। सो फाइनली गाइस हम लोग टनल से बाहर आ चुके हैं, तो बाहर का व्यू चेक करो यार। ओ भाई अब ठंड लगने स्टार्ट हो गई है। स्टार्ट होता है डिस्ट्रिक्ट रामबन, तो अब हम यहाँ से जाएंगे सीधा श्रीनगर वाली साइड। और पुलिस वालों का रिएक्शन देखा था यार, कुछ पुलिस वाले बहुत अच्छे होते हैं, देखो वहाँ से उन्होंने मेरे को थम्स अप किया, लेकिन यार कुछ बहुत बेकार भी होते हैं। तो सिद्धू मूसेवाला भाई लेजेंड बंदा था यार, और 10 साल अगर ये जिंदा रहता ना दुनिया पूरी को हिला देना था। खैर दुनिया को तो इसने अभी भी हिला के रखा हुआ है। भाई साहब खतरनाक सीन है यार। गाइस मैं ना ये सीन एक बार ना रुक के एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ यहाँ का, मेरे को डर लग रहा है यार कसम से, बहुत खतरनाक जगह है। गाइस एक बार चेक करो नीचे का व्यू। गाइस पानी पता कैसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है। ओ भाई साहब गाइस ये रामबन डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हो, देख लो यहाँ का व्यू चेक करो, क्या गंदे वाला सीन है। गाइस रामबन तक ना इतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी, बट ये पहाड़ पूरे क्रॉस करके जब मैं ऊपर पहुँचा ना बनिहाल में, तो यार इधर नेक्स्ट लेवल ठंड लग रही है, इधर देखो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। सो फाइनली गाइस अभी हम जा रहे हैं न्यू वाले टनल से, जो पुराना वाला टनल है उसका रास्ता ऊपर से जाता है, वहाँ से मेरे को सर ने मना कर दिया, बोला वहाँ से मत जाना यहाँ से जाओ। तो आज देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहता है। ये भी टनल बहुत लंबा, मतलब कि आई थिंक मुझे लगता है ये टनल ये भी 7-8 किलोमीटर का टनल है, तो देखते हैं क्या सीन रहता आगे का। यार मस्त वाइब है यहाँ की। और भाई मेरे को यकीन नहीं हो रहा बनिहाल के अंदर 4-व्हील लेन है। अभी तक तो मैंने पंजाब से नीचे 4-व्हील लेन देखी थी, अपने जेके में तो एक भी लेन नहीं थी। तो फाइनली गाइस आपका भाई पहुंचने वाला न्यू वाले बनिहाल के टनल में, तो चेक करो गाइस अंदर का व्यू। भाई साहब खतरनाक सीन है, लाइट चेक करो यार इतनी मस्त लग रही है ना, और अंदर एयर कंडीशनर भी है। गाइस अभी हम वैगनर को देंगे फ्लाई बाई, तो वैगनर से फ्लाई बाई चेक करो गाइस। ओ भाई देख रहे हो गाइस मीटर देखो, 120 कॉन्स्टेंट 120 में चल रहा हूँ, और बाइक एकदम उड़ रही है यार। आई थिंक मुझे लगता है गाइस ये हमारे नॉर्थ का सेकंड लॉन्गेस्ट टनल है। गाइस ये टनल होता है यहाँ पे ख़त्म, और आपका भाई श्रीनगर में एंटर कर चुका है। ओ भाई यकीन नहीं हो रहा, और पर फॉग देखो भाई, वक्त बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, ये क्या हो गया अचानक से मौसम ख़राब। ओ भाई ये क्या सीन है, और वहाँ पे पीछे तो धूप थी, यहाँ पे देखो क्या सीन चल रहा है आगे। मेरा फ्रेंड जब मेरा ये वाला व्लॉग देखेगा ना, उसको 2 साल पुरानी बात याद आ जाएगी, हमारे साथ ऐसा ही सिनेरियो आज से 2 साल पहले हुआ था। ओ भाई ये क्या सीन है गाइस, जाम देख रहे हो, गंदे वाला जाम लग चुका है एक तरफ। भाई साहब कम से कम पीछे 3 किलोमीटर से देखता हुआ आ रहा हूँ, बिल्कुल बराबर जाम लगा हुआ है, और देखो कितनी लंबी कतार लगी हुई है। और यार इतनी फॉग है यहाँ पे और इतनी ठंड है गाइस, मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत गंदे वाली ठंड है यहाँ पे। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा जो दिसंबर जनवरी के महीने में श्रीनगर में आएगा, तो अपना सामान बोरिया बिस्तर पूरा पैक करके आना, ऐसे मत आना ठंड में मार जाओगे। तो फाइनली गाइस यहाँ से हमारा अनंतनाग का रास्ता जाता है, तो कल आपका भाई परसों अनंतनाग भी मैं भी आए, तो काजीगुंड यहाँ से अंदर होता है, तो हम चलते हैं यहाँ से अंदर। सो फाइनली गाइस अभी मैं पहुँच चुका हूँ चौगाम में, तो यहाँ से हम सीधा निकलेंगे शोपियन वाली साइड। भाई ठंड इतनी ज़्यादा ना, बाइक बिल्कुल नहीं चल रही, और ये देखो हाथों की कंडीशन देखो, ऐसे लग रहा है मैकेनिक का काम करके आया हूँ। तो फाइनली गाइस इतनी मेहनत के बाद तुम्हारा भाई पहुँच गया शोपियन में। गाइस मैं तो रास्ता ही भूल गया था यार, लोगों से पूछ पूछ के यहाँ तक पहुँचो तभी लेट हो गया, वरना मैंने इतना लेट होना नहीं था। इस वक्त टाइम हो रहा है 5, तो 5 बजे आपका भाई पहुँच चुका है मेन शोपियन में, तो यहाँ से चलते हैं अपने फ्रेंड के घर पर, तो मिलते हैं सीधा आपको वहीं पर जा कर के।